ओम ज्ञानी मृदंध्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर मिलित यन तस्म श्रीगुरव नवा श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूप हम ऊपकम ददातीपदा वंदेहम श्री सूतपकमल श्रीगुरून्वैष्णवा सागजात सह गण रघुनाथन्तम तम सजीव साइतम सामधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्री राधपादगण ललिता श्री विशाखान्वीत नमो विष्णुपादय कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदातस्वामी नितिनामे नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद स्वीय अद्वैत गदाधर शिवा सदी गौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कल हमने रावण ने किस प्रकार से अलग अलग देवताओं को परेशान किया कल का टॉपिक हमने देखा था रावण अटलाइज द यूनिवर्सल कंट्रोलर्स वो चैप्टर अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि उस चैप्टर में अभी और और भी वस्तुएं बची हैं कल हमने देखा था कि रावण ने पुष्पक विमान प्राप्त किया था और फिर शंकर जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था और उसके बाद फिर रावण जब अपने घर रावण जब वापस लौटते हैं तो आके देखते हैं कि शुक्राचार्य जो थे वो उनके पुत्र के साथ थे और उनके पुत्र सात यज्ञ करने वाले थे सात में से छठवां यज्ञ कंप्लीट हो गया था केवल एक यज्ञ बाकी था तो शुक्राचार्य ने रावण से बोला कि केवल एक यज्ञ एक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पुत्र जो है वो अजय बन जाएगा और रावण ने जब अपने पुत्र को देखा मेघनाथ मेघनाथ को जब उन्होंने देखा तो मेघनाथ पूरे आंख बंद करके बहुत ध्यान से वैदिक मंत्रों का जप कर रहे थे और मेघनाथ की पहली इच्छा थी अतुलनीय शक्ति प्राप्त करना और मेघनाथ इतनी तेज़ी से लड़ाई में इतनी तेज़ी से वो वार खड़ाई करते थे चिल्लाते थे कि सामने वाले आदमी का हृदय विदीर्ण हो जाता था घर गिर जाते थे इसलिए उनका नाम था मेघनाद बादलों का जैसा नाद था बादलों की जैसी आवाज़ थी बहुत तेज़ आवाज़ आती थी जब वो चिल्लाते थे तो मेघनाथ अभी जवान हो चुके थे रावण ने अपने पुत्र की तरफ देखा और कि उनका पुत्र यज्ञ के अग्नि के सामने बैठे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं इस संसार में अजय बनने का तो इसके बाद मेघनाथ ध्यान बहुत डीप मेडिटेशन में बैठे हुए थे साथ में यज्ञ में रावण ने चाहो तो अब जाके निकुम्बला देवी का जो मंदिर था वहाँ के गार्डन्स को देखा और उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने बताया कि उनके पुत्र ने कितने अच्छे से पहले छः यज्ञ कंप्लीट किए हैं पहले भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए थे मेघनाथ के प मेघनाथ के यज्ञों की मेघनाथ की तपस्या से तो भगवान शिव ने मेघनाथ को एक स्पेशल रथ दिया है जिसको कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है वो अपनी इच्छा से चलता है और उन भगवान शिव ने उनको भ्रम का विज्ञान भी दिया है साइंस ऑफ इल्यूजन जिससे वो कभी भी गायब होकर किसी को भी किसी के ऊपर भी हावी हो सकते हैं भगवान शिव ने मेघनाथ को एक धनुष दिया है जो कभी कभी नहीं टूट सकता है और कुछ बाण दिए हैं जो कभी खाली नहीं जाते हैं इतना सब कुछ ये बता रहे थे उसी में राव मेघनाथ का सातवां यज्ञ पूरा हो गया सातवां यज्ञ पूरे होने के बाद मेघनाथ अभी अजय बन गया था तो इसमें हम देख सकते हैं भगवान शिव कई बार राक्षसों की अलग अलग तरीके से मदद करते हैं भगवान शिव का एक डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान विष्णु उनको एक बार डांटते भी हैं कि आप इतने वरदान क्यों दे आते हैं फिर बार बार मैं जाके उनको विनाश करता हूँ तो इस तरह से मे मेघनाथ को इतने वरदान मिले तो फाइनली मेघनाथ का सातवां यज्ञ पूरा हो गया और मेघनाथ अजय बन गए थे हम देखते हैं कि मेघनाथ अजय थे परंतु हनुमान से जीत नहीं पाए थे जब वो अशोक वाटिका में गए थे तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था हनुमान के हाथ में था कि ब्रह्मास्त्र भी वो विफल कर सकते थे क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको वरान दिया था कि उनका अस्त्र उनके ऊपर असर नहीं होता है परन्तु हनुमान जी ब्रह्मा जी के अस्त्र को विफल करना नहीं चाहते थे और रावण को मिलना भी चाहते थे तो मेघनाथ की इतनी शक्ति होने के बाद भी वो हनुमान को नहीं हरा पाए थे हनुमान ने उनको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हनुमान के ऊपर मेघनाथ हावी हुए हों तो इससे हमें पता चलता है कि हनुमान की कितनी शक्ति थी हनुमान के जन्म के समय बताया गया था कि हनुमान जो है वो बाली से भी हजारों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होंगे क्योंकि शंकर जी के अंश थे हनुमान तो इस प्रकार से मेघनाथ का साथ में यज्ञ पूरा हुआ और जैसे ही रावण ने मेघनाथ को गले से लगाया तुरंत आदेश दिया कि चलो अभी स्वर्ग पर चढ़ाई करते हैं और पिता और पुत्र मिलके तुरंत स्वर्ग पर चले जाते हैं इंद्र प्रयास करते हैं अपने आप को बचाने का भगवान विष्णु के पास भी जाते हैं इंद्र परंतु भगवान विष्णु कुछ जवाब नहीं देते भगवान विष्णु की मदद के लिए भी नहीं आते हैं तो इंद्र को थोड़ा ख़राब लगता है कि भगवान विष्णु की तरफ से मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ परंतु भगवान विष्णु ने मुझे बचाने के लिए भी प्रयास नहीं किया वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं परंतु भगवान विष्णु कोई आंसर नहीं देते हैं तो इंद्र फिर ऑलरेडी वो थोड़े कमजोर रहते हैं लड़ाई करना चालू करते हैं इंद्र और रावण लड़ाई कर रहे हैं जयंत और मेघनाथ लड़ाई कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आता है लड़ाई में कि ऐसा लगता है कि इंद्र जीतने वाले हैं और अपनी आर्मी को चाहो तो अब से रावण को पकड़ने के लिए लगा देते हैं वो परंतु उसी समय मेघनाथ जो है वो समाधि जो कि उनको इल्यूजन धर्म का जो विज्ञान दिया गया था भगवान शिव के द्वारा वो यूज करते हैं और जयंत तुरंत अपने रथ पे मेघनाथ के प्रयास से रथ पे गिर जाते हैं ऐसा लगता है कि जयंत की मृत्यु हो गई है जब इंद्र सोच इंद्र देखते हैं कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है तो इंद्र रावण पर पूरा अटैक कर देते हैं और रावण रावण बेहोश हो जाते हैं उस समय थंडर थंड वज्र के आघात से रावण बेहोश हो जाते हैं कुछ देर के लिए तो इंद्र जीतने ही वाले रहते हैं परंतु उसी समय सब कुछ एकाएक रुक जाता है इंद्र के हाथ इस ऐसा लगता है कि इंद्र के हाथ को किसी ने पीछे से पकड़ लिया है इंद्र का पूरा शरीर जम जाता है इंद्र आँख भी नहीं हिला आँख हिला पाते हैं बाकी शरीर का कोई यंग नहीं हिला पाते हैं ये मेघनाथ का मैजिक था उसके द्वारा वो इंद्र को जखड़ लेते हैं और जब तक इंद्र का हाथ ठीक होता है तब तक उनके हाथों पैरों को बांध दिया जाता है और इंद्र को पकड़ के वो मेघनाथ लेके चले जाते हैं और लंका में उनको कैप्चर कर दिया जाता है बंद कर दिया जाता है तो इस तरह से लंका में सारे के सारे देवता इंद्र सभी लोग मिलकर लंका में चले जाते हैं और बहुत सारे देवताओं की रा, रावण के किचन में ड्यूटी लगती है सब्जी काटने की सब्जी काटते काटते देवता एक दूसरे से बात कर रहे हैं बहुत निराश हैं कि जो संसार को पहले कंट्रोल करते थे अभी उन्हीं को किसी ने कंट्रोल कर लिया उनकी शक्ति कहाँ गई उनके पास जितना सम्मान था वो सम्मान कहाँ गया उनकी सख्त उनका पैसा कहाँ गया सब कुछ उनके पास चला सब कुछ उनके पास ही चला गया था और सारे देवता लोग बैठे हुए थे वहाँ पे मंगल मंगल बोल रहे थे कि सनी देखो तुम्हारा क्या हुआ तो हम लोग नवग्रह हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है हम तो नवग्रह हैं पूरे संसार में सभी लोगों का भाग्य हम डिसाइड करते हैं परंतु इस राक्षस ने हमें नवग्रहों को जीत लिया है कितनी अजीब बात है इसी तरह से सुख ग्रह ने बोला कि रावण के शक्ति का इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता है कि नौ ग्रह उसके किचन नौ ग्रह जो है उसके राजदरबार में उसकी सीढ़ियों पर लेटे हुए हैं और नौ ग्रहों के ऊपर पैर रख के रावण अपने सिंहासन पर चढ़ता है इससे ज़्यादा और कोई प्रूफ नहीं हो सकता है कि रावण कितना रावण कितना ऊँचा पहुँच गया है और सुख ऐसा भी बोलते हैं कि अगर ये न्यूज़ धरती पर पहुँच गई तो मनुष्य लोग हमारी इज्जत करना भी बंद कर देंगे या एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाना बंद कर देंगे क्योंकि एस्ट्रोलॉजर तो नवग्रह के बारे में ही बताते हैं और नवग्रह हम लोग तो रावण के किचन में डले हुए हैं रावण के दरबार में बंदी हैं तो मनुष्य लोग हमारी इज्जत इज्जत नहीं करेंगे फिर वो हमें एस्ट्रोलॉजी इन सब पे कोई भरोसा नहीं करेंगे पर उसी समय शनि जो है शनि को गुस्सा आता रहता है तो शनि गुस्से के कारण बोलते हैं कि आज मैं कुछ ऐसा करूँगा जो मैंने अभी तक नहीं किया और अभी मैं रावण का भाग्य जो है उस भाग्य को मैं बदल दूंगा इस तरह से सनी बोलते हैं और उस दिन जब रावण अपने सिंहासन पर चढ़ते रहते हैं तो एक सीढ़ी पर सनी डले रहते हैं ऐसा बताया जाता है कि सनी के जो आँख होती है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है अपनी आँखों से वो तिरछी आँखों से जिसको देख लेते हैं उसका भाग्य खत्म हो जाता है तो जब रावण ने सनी के पास आया तो सनी ने अपनी उस तरीके की आँखों से रावण को देखा और रावण ने भी उसकी तरफ देखा और सनी ने उसको आँखों से सांप के जैसा दिया पर रावण ने उनके पैर उसके अपने जूते उसके पैर पर रखे तुरंत सनी के मुंह से आवाज़ आने लगी जो उसे दर्द के कारण और फिर रावण चले गए उसके बाद ब्रह्मा अभी बहुत समय से देख रहे थे कि ये सब क्या चल रहा है और ब्रह्मा को जब लगा कि सब चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है तो उन्होंने खुद आके रावण से बात करने का सोचा और रावण को आके उन्होंने एक्चुअली ब्रह्मा को बहुत ख़राब लग रहा था कि वो कैसे रावण से जाके बात करेंगे और रावण से फेवर कैसे मांगेंगे परंतु कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास इसलिए रावण के पास आते हैं और रावण से बोलते हैं रावण तुम तो बहुत शक्तिशाली हो अभी तुम्हारा यश पूरे ब्रह्मांड में छा चुका है सब तरफ और जहाँ भी मैं जाता हूँ तुम्हारे बारे में मैं सुन सुनता हूँ हर जगह और तुम्हारा पुत्र मेघनाथ ने तुम्हारी शक्ति को और ऊपर तक लेके गए हैं क्योंकि उसने इंद्र को हरा दिया है इसलिए आज से मैं मेघनाथ का नाम इंद्रजीत नाम देता हूँ क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया है अभी मेघनाथ से ज़्यादा शक्तिशाली इस संसार की हिस्ट्री में कोई नहीं है तो रावण इसके बारे में जवाब देते हैं कि हे पितामह आप जो मेरे बारे में प्रशंसा कर रहे हैं वो सब आपकी प्रशंसा है क्योंकि आपके द्वारा ही मुझे ये सारे वरदान मिले हैं जिसके कारण मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं साथ साथ रावण एक्चुअली हालांकि ब्रह्मा को बोल रहे हैं कि आपके कारण कर पा रहे हैं परंतु अपने हृदय के अंदर ही रावण खुश हो रहे हैं कि देखो ब्रह्मा मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं तो ये राक्षस का लक्षण होता है दे क्वालिटी ये होती है कि व्यक्ति अपनी प्रशंसा को सुनकर खुश हो जाता है इसको एक डेमोनियक क्वालिटी बोला जाता है रावण बहुत खुश थे कि उनकी ब्रह्मा जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रशंसा एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई व्यक्ति पिघल जाता है और ब्रह्मा ने बोला कि अभी मैंने इसको इंद्र जी टाइटल दे दिया है तो अभी आपको इंद्र को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है अगर आप इंद्र को अपने पास रखे रहोगे तो यूनिवर्स का मैनेजमेंट संभालना मुश्किल होगा इसलिए इंद्र और महत्वपूर्ण देवताओं को आप अभी छोड़ दीजिए और उस उसके बारे में उस अगर आप इनको छोड़ दोगे तो मैं आपको वरदान दूंगा इंद्रजीत से बोला ऐसा तो इंद्रजीत ने तो तो वरदान मांगा कि मैं तो अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मा जी ने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है मेरे हाथ में नहीं है कि मैंने जिन नियमों को नहीं बनाया उन नियमों को मैं बदल सकूँ अमरता का वरदान मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं खुद भी अमर नहीं हूँ मेरी भी मृत्यु होती है इसलिए मैं ये वरदान नहीं दे सकता इस यूनिवर्स में नियम को बनाने वाले हैं और नियम को मेंटेन करने वाले हैं लॉ मेकर्स और लॉ कीपर्स तो मैं लॉ कीपर्स की कैटेगरी में हूँ लॉ मेकर्स की कैटेगरी में नहीं हूँ इसलिए उसके अलावा तुम जो चाहो वो मांग सकते हो तो ब्रह्मा का जो ये इस तरीके से जवाब था इससे हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि हर लीडर का एक कैपेसिटी होता है एक इन्फ्लुएंस होता है जहाँ तक उसका कार्य होता है और हर लीडर को पता होना चाहिए कि उसकी लिमिट कहाँ पे है आजकल जब जैसे व्यक्ति कभी सीनियर होते हैं तो अपनी लिमिट को भूल जाते हैं वो सोचते हैं कि हम तो सबसे ऊपर हैं हमसे ऊपर कोई है नहीं परंतु जो बुद्धिमान लीडर है वो जानते हैं कि हमारी क्या लिमिट है हमारी क्या एबिलिटी है और हमारा रोल क्या है उसके आधार पर कार्य करते हैं तो जब हमारे ऐसा बोला तो इंद्रजीत ने फिर आशीर्वाद मांगा ब्रह्मा को फिर से उन्होंने धोखा देने के कार्य पीछे धोखा देने के लिए एक आशीर्वाद मांगा कि जब भी मैं यज्ञ करूंगा कहीं भी तो एक उनका रथ उनके साथ आएगा उस रथ में सारे वेपन्स भरे होंगे और जब तक मैं उस रथ पर बैठा रहूंगा तब तक मुझे मृत्यु नहीं होगी इस तरह से इंद्रजीत ने मांगा और आ, ब्रह्मा जी ने देखा कि इस वरदान में तो कमियाँ हैं तो कमियाँ देख के ब्रह्मा जी खुश हो गए और तुरंत वरदान दे दिया क्योंकि इसमें एक इसमें क्या कमी थी एक तो उन्होंने उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं यज्ञ करूंगा यज्ञ कंप्लीट होने के बाद मैं अजय हो जाऊंगा। तो अगर यज्ञ कंप्लीट नहीं किया जाएगा और चैरियट से उतर जाएंगे अगर इंद्रजीत दोनों दोनों शर्ती थे उन्होंने बोला था जब तक मैं चैरियट में बैठा बैठा रहूँगा रथ में बैठा रहूँगा तो अगर यज्ञ पूरा नहीं होगा और या इंद्रजीत अगर रथ से उतर जाएंगे तो ये वरदान काम नहीं करेगा इसलिए ब्रह्मा ने तुरंत वरदान दे दिया इंद्र जीत सोच रहे थे कि उन्होंने ब्रह्मा को मूर्ख बना दिया और ब्रह्मा जान रहे थे कि जो बुद्धि जो मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनको मूर्ख बनाना बहुत आसान है तो दोनों दोनों स्माइल कर रहे थे ब्रह्मा जी वो इंद्रजीत भी इंद्रजीत को लग रहा था कि अभी मैं अजय हो गया और ब्रह्मा को पता था कि इंद्रजीत ने क्या गलती की है तो इस प्रकार जब ये पूरा हो गया तो फिर इंद्र को बुलाया इंद्र अपना सिर नीचे झुकाए हुए आए रावण के महल से ब्रह्मा के पीछे पीछे आने लगे इंद्र को देख के राक्षस लोग हंस रहे थे इंद्र को बहुत अपमान फील हो रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ क्योंकि वो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ ऐसा वो सोच रहे थे कि वो तो ब्रह्मांड में कितने अच्छे से कार्य कर रहे हैं परंतु तो तब भी उनके साथ ऐसा हुआ इतना गलत क्यों हुआ तो ब्रह्मा जी को पता चला ब्रह्मा जी ने जब देखा कि इंद्र के मन में ऐसा चल रहा है ब्रह्मा जी ने बोला कि आपको पता है आपके जीवन का एक दिन जब आपने एक हेल्पलेस असहाय व्यक्ति को आपने परेशान किया था और उनकी आँखों से जो आंसू आए थे उस व्यक्ति की आँखों से उस उन आंसुओं का जो फल है वो आज तुम्हें मिला है आज जो तुम आ, इतनी तरीके से तुम्हारी बेजती हुई है ये उसी का फल है जिस जिस तुमने एक हेल्पलेस व्यक्ति को बहुत परेशान किया था टॉर्चर किया था मेघनाद और रावण केवल इंस्ट्रूमेंट हैं तुम्हें परेशान करने के बाकी तुम्हारा वो उस दिन का जो कर्म था उसका फल तुम्हें आज मिला है तो इंद्र का मन तुरंत पीछे गया जब वो काम भावना के बसीभूत होके उन्होंने अहिल्या को अहिल्या के साथ उन्होंने गलत कार्य किया था और गौतम ऋषि उस दिन आ, उस दिन नाराज हुए थे तो ब्रह्मा जी ने याद दिलाया कि वो वो जो तुमने पाप कर्म किया था उसका फल तुम्हें अभी मिला है तब इंद्र को इंद्र को समझ में आया कि जब वो विष्णु जी के पास गए थे तो विष्णु ने उनकी मदद क्यों नहीं की विष्णु के चेहरे पे भी बहुत अजीब टाइप का भाव था ज़्यादा खुश नहीं थे इंद्र से तब उनको पता चला कि भगवान विष्णु क्यों मुझसे खुश नहीं थे अभी इंदू को समझ में आ रहा था और जैसे जैसे इंदू को समझ में आया तो उनके उनको लगने लगा कि हाँ मेरी गलती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उस गलती के कारण अभी वो सोचने लगे कि हाँ ये जो मुझे फल मिला ये फल ठीक मिला तो ये देवताओं में एक अच्छी बात है देवता लोग इस तरह से एटलीस्ट समझ जाते हैं अगर उनसे गलती होती है तो उसका पश्चाताप आप करने के लिए चाहते हैं तो इंद्र की उस समय इच्छा हो रही थी कि वो अहिल्या जो स्त्री थी उस इस स्त्री को जो इन्होंने बर्बाद किया था उसके चरणों में गिर के माफ़ी मांगे और उन उनको अभी जो दुख हुआ था वो उसका छोटा हिस्सा भी नहीं था जो इस जितना दुख अहिल्या को हुआ था और जितना दर्द अहिल्या को अभी तक हो रहा है उसके बाद जब इंद्र ने इतना सोचा तो रावण उनके लिए कोई सतु जैसा नहीं लगा रावण को केवल ऐसा लगा कि, कि ये इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे पाप का फल मुझे दिए तो इसके बाद कुछ दिन बाद रावण एक बार नर्मदा नदी में शंकर जी की पूजा करने के लिए गए थे तो शंकर जी की पूजा करते करते नर्मदा नदी का प्रवाह एकदम से बदल गया एक जिस दिशा में जा रही थी उसके अपोजिट दिशा में जाने लगी तो रावण को बहुत आश्चर्य हुआ कि नर्मदा नदी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है इतनी शक्ति किस्में है जो नदी के प्रवाह को बदल दे रावण को रावण को अचवज हुआ ये देख के कि कौन ऐसा कर सकता है क्योंकि रावण खुद ऐसा नहीं कर सकते थे नदी के प्रवाह को रावण नहीं बदल सकते थे तो जब उन्होंने दूध को भेजा और दूध ने आके बोला कि एक मनुष्य है जिसने इस नदी के प्रवाह को बदल दिया है तो रावण ने रावण ने सोचा कि नहीं ये मनुष्य कौन हो सकता है मनुष्य तो ऐसा कुछ कोई नहीं कर सकता है तब भी रावण के मन में ऐसा लग रहा था कि ऐसा कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति है जो ऐसा कार्य कर सकता है तो उन्होंने पता करने का सोचा तो उसको पता चला वो जब उन्हें अलग अलग लोगों से पूछा तो बहुत सारे लोगों ने उनको वार्निंग दी कि कार्तिकवीय अर्जुन नाम से एक व्यक्ति है एक हज़ार हाथ हैं उनके वो मनुष्य है और वो इस तरह से कार्य कर रहे हैं कार्तव्य अर्जुन वही हैं जिन्होंने परशुराम के पिता को मारा था फिर परशुराम ने उनको मार डाला था तो बाद में जब रावण सीता का हरण करते हैं उस समय सीता इस इंसिडेंट को बताती हैं कि कार्तवीय अर्जुन से तुम तो हार गए थे और उसी कार्तवीय अर्जुन को परशुराम ने हराया था मारा था और उन परशुराम को मेरे पति राम ने हराया है इस तरह से सीता बताती हैं तो रावण को जब कार्तव्य अर्जुन का पता चला रावण ने जाके खुद भी देखा कि कार्तवीय अर्जुन ने नर्मदा की दिशा को बदल दिया और रावण का सारा का सारा पूजा का जो आइटम था जो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे सब कुछ बह गया प्रवाह बदलने के कारण तो रावण को गुस्सा आई और उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को जब पता किया और तो उनको पता चला कि कार्तिक अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ पत्नियों के साथ नर्मदा में स्नान करने के लिए आए थे तो रावण ने सोचा कि अभी उसके किंगडम पे अटैक करते हैं राजा तो वहाँ पे है नहीं परंतु जैसे ही किंगडम पर अटैक करके उन्होंने लोगों को मारना चालू किया कार्तिक अर्जुन आ गए उन्होंने रावण को इस तरीके से इस तरीके से मारा रावण ऐसा रावण को ऐसा डिस्क्राइब हुआ था कि उनके हर त्यौहार जो था ऐसा लग रहा था कि रावण का वदन टूटने वाला है रावण मरने वाले हैं और कुछ ही समय के अंदर उन्होंने रावण को पूरी तरह से हरा दिया और जेल में डाल दिया रावण की जो जितनी भी शक्ति थी सारी की सारी शक्ति छू मंतर हो गई क्योंकि रावण को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था उसके द्वारा और उसने उसको जेल में डाल दिया और रावण जब जेल में थे तो देख रहे थे कि अभी शायद पता नहीं कब तक वो वापस आ पाएंगे कब बाहर निकल पाएंगे तो इस प्रकार से रावण को लग रहा था कि ये पता नहीं कैसे हो गया ये सारी वस्तुएं उनके साथ कैसे हो गई और तो रावण सरप्राइज हुए एक एकाएक दरवाज़ा खुला और उनको महल में ले जाया गया जब रावण ने जाके देखा तो उन्होंने अपने पुलस्त ऋषि को देखा जो उनके दादाजी थे पुलस्त ऋषि ने आके कार्तिक अर्जुन को बताया था रावण के बारे में और कार्तिक अर्जुन ने इम्प्रेस होकर रावण से मित्रता कर ली थी और फिर रावण को छोड़ दिया था तो रावण बहुत खुश थे खुश तो एक्चुअली रावण इतना खुश तो नहीं थे क्योंकि कार्तिक अर्जुन से हार चुके थे परंतु जेल से निकलने के लिए उनको शांति प्राप्ति हुई कि मैं कम से कम जेल से निकल आया और तुरंत वो लंका पे पुष्पक विमान से लंका में लौट आए उसके बाद फिर कभी भी कार्तिक आयोजन से उन्होंने पंगा नहीं लिया और रावण ने ये लेसन सीखा कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है क्योंकि संसार में बहुत शक्तिशाली शक्तिशाली लोग हैं जो कि हरा सकते हैं तो इस तरह से बताते हैं कॉन्फिडेंस इज द की टू ऑल लॉक्स बट ओवर कॉन्फिडेंस इज द लॉक टू ऑल डोर्स कॉन्फिडेंस जो है सभी तालों की चाबी है परंतु ओवर कॉन्फिडेंस सारे दरवाजों का ताला है कॉन्फिडेंस से व्यक्ति में इंस्पिरेशन आता है परंतु ओवर कॉन्फिडेंस से व्यक्ति में पसीना आता है मतलब हार जाता है व्यक्ति तो ये रावण को एक प्रकार से हार मिली यहाँ पे इसके अलावा रावण ने बहुत सारे लोगों को हराया बहुत सारे राजाओं को हराया एक बार उन्होंने एक वंश के एक राजा जिनका नाम था अनारण्य उनको भी उनको भी वध कर दिया था राम के पूर्वज थे वो एक छवाकू वंश के राजा थे अनारण्य ने उनको साफ दिया था रावण को कि मेरे वंश से ही कोई ये तुम्हारा तुम्हारी हत्या तुम्हारा मर्डर करेंगे मेरे वंश से ही कोई आएगा जो तुम्हें मारेगा तो भगवान राम ने एक को वंश में जन्म लिया था और रावण का वध किया था उसके बाद अभी इसके बाद एक और सीन आता है नेक्स्ट सीन रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहे हैं और रावण को पता नहीं कि ऊपर से उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है बहुत ऊपर नारद मुनि वहाँ पे खड़े हुए हैं ना वेट कर रहे हैं कि कब उनका विमान इतनी ऊंचाई पे आएगा और नारद मुनि उनसे बात करेंगे नारद मुनि बहुत ध्यान से अपने शब्द बोलना चाहते थे क्योंकि रावण जो थे बहुत ज़्यादा शंकालु था बहुत शंका होती थी तुरंत गुस्सा आ जाता था क्योंकि नारद को उनके साथ पहली बार इसके पहले एक बार एक्सपीरियंस हुआ था एक बार नारद मुनि लंका के ऊपर से जा रहे थे तो रावण ने उनको देख के बुलाया था और रावण ने उनसे रावण ने उनसे इच्छा प्राप्त की थी कि वो ओम का मंत्र सीखना चाहते हैं ओम मंत्र नारद मुनि ने ना मना कर दिया था कि नहीं सीख नहीं सिखाएंगे आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हैं परंतु रावण लगातार मांग बोलते रहे थे बोलते रहे थे तब नारद मुनि ने उनको समझाया कि वैदिक मंत्र जो हैं वो केवल शक्ति के कारण नहीं मिलते हैं वैदिक मंत्र चरित्र के कारण मिलते हैं तुम्हारा चरित्र इस तरह से नहीं है तुम्हें कि तुम्हें ओम मंत्र सिखाया जाए और वैदिक मंत्र सिखाने का अधिकार शिक्षक के पास होता है शिक्षक चाहे तो सिखा सकता है नहीं चाहे तो नहीं सिखा सकता है तो रावण को बहुत गुस्सा आई क्योंकि आज तक किसी ने उनको मना नहीं किया था रावण ने अपनी चंद्रहा तलवार निकाली और नारद को धमकी दी कि जब एक स्टूडेंट कुछ सीखना चाहता है तो टीचर को सिखाना ही पड़ेगा इस तरह से उन्होंने धमकी दी तो यहाँ पर समझ में आता है कि एक टीचर जो है अगर उसको हम नल नल के टैप से तुलना करें तो स्टूडेंट को नीचे रखे हुए खाली बर्तन से तुलना करनी चाहिए अगर बर्तन को भरना है तो उसको टैप के नीचे ही रहना होगा अगर बर्तन टैप के ऊपर बैठा रहेगा तो बर्तन हमेशा खाली रहेगा भली टैप चलता रहेगा तो गुरु और शिष्य के बीच में यही चीज़ होता है शिष्य को हमेशा गुरु से नीचे ही रहना चाहिए नहीं तो वो नॉलेज नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो रावण ने जब चंद्रहास निकाल के ऐसा बोला तो नारद को भी लगा अजीब सा कि ये क्या है नारद मुनि ने सोचा अभी देखो रावण को कुछ सिखाते हैं तो वो देख के हंसने लगे और रावण से बोलते हैं कि इस संसार में सारी वस्तुएं ऐसी नहीं हैं कि तुम जो चाहो पैसे से और शक्ति से खरीद लो तुम्हारे अनुभव ने अभी तुम्हें तो दिखाया है कि पैसा और शक्ति से सब चीज़ें तुम्हारे पैर में आ जाती हैं परंतु तुम भूल रहे हो बहुत सारी वस्तुएं हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं कि कुछ वस्तुएं हैं जो केवल विनम्रता से कंट्रोल में आ सकती हैं और इस प्रकार से जो तुम्हें ये घमंड है ये घमंड एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा इस तरह से नारद मुनि बोल के हंसने लगे रावण को और ज़्यादा गुस्सा आया जब उनके ईगो को इस प्रकार से किसी ने ठेस पहुँचाई तो रावण को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में बी नारद मुनि के शरीर के बीच से चंद्रहास तलवार को मार दिया पर उन्होंने देखा कि तलवार शरीर शरीर से बाहर निकल गई नारद को कुछ हुआ नहीं ऐसा लगा जैसे तलवार हवा में से निकल गई हो नारद के शरीर से निकली परंतु तो कुछ हुआ नहीं तो नारद रावण के जब इस तरह से नारद ने देखा रावण अचरज में है तो रावण नारद हंसने लगे और बोलते हैं कि तुम्हारे शरीर आध्यात्मिक शरीर तुम्हारी ये तलवार आध्यात्मिक शरीर को कैसे काटेगी मेरी स्पिरिचुअल बॉडी है क्योंकि मैं आध्यात्मिक रूप में हूँ तो इस संसार का कोई अस्त्र मुझे असर नहीं करता जैसे आत्मा के ऊपर किसी अस्त्र का असर नहीं होता है वैसे मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है क्योंकि मेरा सच्चिदानंद रूप है तो अभी इनको पता चला रावण को कि नारद के पास कितनी शक्ति है नारद के सुपर नेचुरल पावर जानने के बाद रावण उनके चरणों में गिर गए कि मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए और नारद हंसने लगे कि देखो कुछ समय पहले यही शिष्य जो था वो शक्ति के बल पर अपने टीचर को मानना चाहता था और केवल अभी उसको ऐसा लगा कि उसको ऐसी बॉडी चाहिए जिससे उसकी मृत्यु नहीं हो तो तुरंत मेरे चरणों पे आ गया इस प्रकार से सिस्से रहते हैं तो इसमें बताते हैं डिप्लोमेसी एक आर्ट है जिससे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल लेते हैं परंतु अंदर का हृदय की भाषा नहीं बदल पाते हैं एक क्षण में ही रावण की बॉडी लैंग्वेज बदल गई पहले तलवार उठाए हुए थे दूसरी बार नारद के चरणों में आ गए परंतु उनके हृदय की जो भाषा थी वो वैसे ही रही वो नहीं बदली तो नारद मुनि ने बोला कि ये तो बहुत अजीब चीज़ है आपको तो गिवगेट गिवगेट को आपसे सीखना चाहिए कलर बदलना इस तरह से उन्होंने रावण को डांटा और फिर बोला कि अगर तुम भगवान नाम भगवान विष्णु का नाम जब करोगे तो तुम्हें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा जैसे ही रावण ने विष्णु का नाम सुना तुरंत उसके चेहरे पर गुस्सा आ गई उसने बोला नहीं मुझे ऐसी कोई बॉडी नहीं चाहिए मैं अपनी इसी बॉडी को अमर बना दूंगा और तुरंत वो वापस चले गए तो ये पहले इंसिडेंट हुआ था अभी दूसरी बार रावण का वेट कर रहे हैं नारद मुनि हवा में तो पुष्पक विमान ले कर रावण जब ऊंचाई पे आए तो नारद मुनि वहाँ पे दिखे उनको नारद मुनि अभी भी रावण के शिक्षक थे और रावण अभी भी स्टूडेंट थे क्योंकि रावण को पता था कि नारद मुनि को उन्होंने मारने का प्रयास किया था वो नहीं मार पाए थे तो नारद मुनि अभी उनको फिर से सिखाना चाहते थे एक चीज़ नारद मुनि उनसे बोलते हैं कि पहले पिछली बार जब मैं तुम्हें मिला था तब से अभी तक तुम बहुत शक्तिशाली बन गए हो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ गई है मैंने यूनिवर्स में जहाँ भी मैं जाता हूँ तुम्हार, तुम्हारे तुम्हारे बारे में बात सुनता हूँ अभी तक अभी तुमने जो इंद्र और बाकी लोगों को जीता है उसके कारण तुम तो और ज़्यादा फेमस हो गए हो परंतु अभी मुझे लगता है कि अब अभी भी मुझे लगता है कि तुम जैसे महान लोग कैसे कॉमन सेंस भूल जाते हैं तो रावण को अभी तक अपनी प्रशंसा सुनाई दे रही थी एक एकाएक जब उन्होंने सुना कि ये कैसे आपने बोला कि हम अपनी कॉमन सेंस भूल जाते हैं तो तुरंत नारद नारद को गुस्सा आ गया तो रावण को गुस्सा आ गया तो नारद मुनि ने समझाया कि हाँ रावण अभी मुझे समझाने दो तुम इतने सारे राजाओं को हरा रहे हो परंतु ये सारे राजा तो मृत्यु के मृत्यु से जूनियर हैं सबको मृत्यु ख़त्म कर देती है तो जाके तुम्हें मृत्यु को ही हराना चाहिए जाके यमराज से फाइट करो जो मृत्यु के देवता हैं इन सब राजाओं को हरा के क्या करोगे इस तरह से जाके वो रावण को बताते हैं और रावण तुरंत यमराज के पास जाते हैं उनको अच्छा आइडिया लगता है ये यमराज को हरा देंगे तो अच्छा रहेगा रावण जब नरक में जाते हैं तो देखते हैं नरक में जब लोगों को दंड मिलता रहता है तो उसको देख के रावण को बहुत भय की फीलिंग आती है क्योंकि रावण को देख के लगता है कि मैं भी यहीं आने वाला हूँ मरने के बाद तो यहाँ पे एक जगह आता है कि जब रावण देखते हैं नरक में लोगों को दंड मिलता रहता है तो नार ये रावण जो कैदी हैं जो पापी लोग हैं उनसे बहुत सहानुभूति रखते हैं तो उसका कारण यही आता है क्योंकि रावण को लगता है कि मृत्यु के बाद अगर मेरी मृत्यु होगी तो मैं भी यहीं आने वाला हूँ इसलिए अभी से नरक में जो भी नियम है सब बदल दो जिससे मेरी मृत्यु के बाद मुझे कुछ नहीं हो तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े राक्षस रा, उनके राज उनके राज्य के बड़े बड़े राक्षस जो थे वो अप्सरा के जैसे लगते इन यमदूतों के सामने यमदूत इतने भयानक थे सारे यमदूत एक एक डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे जो कि अलग 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 दंड देते थे अलग अलग पापों के दंड देते थे एक व्यक्ति को लगातार हंटों से मारा जा रहा था दूसरे को कुत्ते पीछे से उसके पैरों को खा रहे थे उसके मांस को खा रहे थे कभी व्यक्ति को गड्ढे में फेंका जा रहा था वहाँ पे सांप और बहुत सारे थे कभी उसको उल्टे उल्टे नीचे फेंका जा रहा था अलग अलग तरीके तरिक, के नरक में दर्द मिल रहे थे पर मृत्यु नहीं होती नरक में हम जानते हैं कि जो शरीर होता है वो शरीर यातना के लिए बनाते हैं उसमें मृत्यु नहीं होती है केवल दर्द होता है तो रावण ने जब देखा इस तरह से रावण ने तुरंत अपने सैनिक को आदेश दिया कि ये सब नॉनसेंस रोको वो को, ये सब यमदूतों को मार डालो सारे कैदियों को छुड़ा दो रावण रावण को तुरंत कंपेसन आया उन कैदियों के लिए क्योंकि रावण खुद भी पापी थे तो पापियों के लिए उनके मन में बहुत करुणा थी और रावण तुरंत तो अपने सोल्जर्स को बोलने लगे और यमदूत चूँकि लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे यमदूत तो उनका अलग कार्य था तो यमदूत को पता नहीं चला कि ये कैसे आ गए और तुरंत वहाँ पर ये लड़ाइयाँ चालू हो गई एक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ का चालू हुआ जिससे कि पुष्पक विमान पर लगातार अटैक होना चालू हुए पूरा चैरियट डैमेज हो गया और रावण इतने ज़्यादा गुस्सा में थे कि उनके चैरियट को किसने अटैक किया और उन्होंने पुष्पक विमान को लेके पुष्पक विमान और पाशुपतास्त के द्वारा अटैक करना चालू कर दिया तो इस प्रकार से नरक से जब सूचना आई यम के पास कि नरक में ऐसी समस्या आई है तो यम को चिंता होने लगी कि नरक में अगर ऐसा अटैक होगा तो संसार में फिर न्याय व्यवस्था कैसे चलेगी यम तुरंत अपने चैवियट पर बैठे और उनकी आंखें एकदम गुस्से में लाल हो गई थी और उनके बगल में मृत्यु और समय दो दो वहाँ पे उनके साथ जा रहे थे रावण की सारी आर्मी को एक का एक जब उन्होंने मृत्यु के देवता को देखा तो डर गए रावण के मन में भी डर हुआ क्योंकि यम मृत्यु और समय तीनों इतने खतरनाक थे कि रावण को रावण ने जब देखा तो रावण डर गए रावण ने यम को पहचान गए बाकी दोनों को नहीं पहचाने पर बाकी दोनों को पहचान समझ समझ गए कि ये भी उनके साथ वाले हैं रावण को डर लगा परंतु वो अपने डर को पी गए और रावण ने बोला कि अभी यम ने उनके तरफ से कुछ तीर छोड़े और तीर देख के रावण को लगा कि ये तो कठिन कठिन फाइट होने वाली है उन्होंने यम को भी तीर छोड़ना चालू किए और एक पावरफुल मिसाइल छोड़ी यम के बगल में जो मृत्यु देवता खड़े थे उनके ऊपर मृत्यु देवता बच गए उन्होंने अपने आप को बचा लिया परंतु यम को बहुत गुस्सा आया कि आज तक कभी ने मृत्यु को इस तरीके से परेशान नहीं किया है अगर इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को जाने दिया गया तो ज़्यादा ज़्यादातर लोग मृत्यु से मृत्यु के लिए रिस्पेक्ट छोड़ देंगे और ऐसे बहुत सारे रावण फिर बनने लगेंगे तो यम ने उनके मुख से एक आँख आग, आग निकाली उससे आग से टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा कि राक्षस लोग मरने लगे कुछ बेहोश हो गए मर गए मर गए और उस समय डेथ मृत्यु ने यम से बोला कि आप केवल मुझे एक बार मौका दीजिए मैं रावण को ख़त्म कर देता हूँ मैंने पहले बड़े बड़े लोग हिरण्य कक्ष हिरण्यक्ष इतने बड़े बड़े राक्षसों को खत्म किया है रावण कोई बड़ी बात नहीं है तो यम ने फिर बोला कि मुझे पता है मृत्यु कि तुम जो कर रहे हो वो कर सकते हो परंतु रावण को मैं मारना चाहता हूँ इस तरह से यम ने अपने हाथ में यम दंड लिया यम दंड मतलब इस संसार का सबसे बड़ा वेपन है उसको लेके रावण के पास आए और यम दंड से वो रावण को जस्ट मारने ही वाले थे रावण के सामने आके ब्रह्मा जी वहाँ पे आ गए ब्रह्मा जी ने यम से बोला कि रावण को मत मारो मैंने ही उसको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वरदान दिए हैं कि वो देवताओं के द्वारा नहीं मारा जा सकता है इसलिए मेरे वरदान को झूठ मत होने दो अगर तुमने उसको मार दिया तो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि मैंने गलत मैं झूठे प्रॉमिस देता हूँ लोगों को और तुम्हें भी आरोप लगेगा कि तुम अपने सीनियर सीनियर की बात तुमने नहीं सुनी चूँकि यमदंड संसार का सबसे बड़ा अस्त्र है तो ये रावण को मार देगा परंतु अगर उसने भी रावण को नहीं मार पाया तो संसार के लिए बहुत डेंजर होगा यमदंड यमदंड भी रावण पर असर नहीं करेगा तो और ये व्यक्ति भी अपने आप को अजय समझने लगेगा किसी से नहीं डरेगा इसलिए अभी तुम इसको मत मारो चले जाओ यम ने सोच ब्रह्मा की बात में अपना विश्वास देखा और तुरंत तो तो गायब हो गए वहाँ से चले गए पर रावण ने ये नहीं सुना था कि यम और ब्रह्मा के बीच में क्या बात हुई तो रावण को लगा कि यम मुझसे डर के चले गए और आके रावण वापस लौट के बोलते हैं मैंने यम को हरा दिया वास्तविकता में रावण मरने वाले थे यम दंड लगने से रावण मर जाते रावण को भी पता था परंतु ब्रह्मा की बात से जब वो गायब हो गए तो रावण को लगा यम जो है मुझसे डर के चले गए और आके वो सबको बताते हैं कि मेरा नाम अभी तिलोकेश्वर है तीनों लोगों का राजा हूँ मैंने यम को भी हरा दिया तो यम बहुत मैच्योर थे यहाँ पे यमदेव यमराज क्योंकि किसी युद्ध से पीछे हटने के लिए बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है और सुपीरियर के डायरेक्शन को फॉलो करने की जरूरत पड़ती है तो अगर कोई विनम्र होता है मैच्योर होता है तभी ऐसे कदम उठा सकते हैं तो मैच्योरिटी और ह्यूमिलिटी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको लीडरशिप बोला जाता है द कॉम्बिनेशन ऑफ मैच्योरिटी एंड ह्यूमिलिटी इज़ कॉल्ड लीडरशिप यम ने जो अटैक किया था वो अपनी सुप्रियटी को प्रूव करने के लिए नहीं किया था परंतु भगवान के नियम को प्रूव करने के लिए किया था जबकि रावण भूल गए कि कैसे वो मरने वाले थे उन्होंने सोचा कि शायद ब्रह्मा बीच में आए ब्रह्मा बीच में आए होंगे वो भी रावण की शक्ति से आए होंगे नहीं तो यम हमें नहीं मार पाते इस तरह से रावण सोचने लगे तो ऐसा रावण की हिस्ट्री हिस्ट्री थी और जैसे ही लंका में रात होती थी तो रात में लगातार पार्टियाँ चलती रहती थी सारे लड़ाइयाँ और नहीं हंसी और सारे राक्षस लोग शराब पीते थे और आज का दिन तो बहुत स्पेशल था क्योंकि रावण त्रिलोकेश्वर बन गए थे तो रावण ने बहुत बड़ी पार्टी दी थी और रावण उनके लिए पहले भगवान के समान थे परंतु तो आज के बाद रावण आज की जीत के बाद रावण भगवान ही बन गए थे तो ऐसे ही एक तरफ रावण बहुत खुश थे दूसरी तरफ देवता लोग जो थे वो बहुत अपसेट थे कि रावण उनको इस तरीके से ट्वीट कर रहे थे और संसार के नियमों को डिस्टर्ब कर रहे थे देवताओं को लग रहा था कि रावण के का पाप कब पूरे होंगे और कब उसको दंड मिलेगा और सभी देवता की निगाह एक तरफ थी उत्तर की दिशा में बहुत दूर अयोध्या नाम से जो नगरी थी वहाँ पे सभी की आ, सभी देवता उसकी तरफ देख रहे थे कि अयोध्या के राजकुमार राम जब आएंगे तब वो रावण को विनाश करेंगे तो रावण के जो काले पाप थे उन्होंने दशरथ के शिव पे सफ़ेद बाल के जैसा शरण लिया था जिसके कारण दशरथ ने संसार के भले के लिए कार्य करने का सोचा राम को राज्याभिषेक कराने के लिए दशरथ ने सोचा जो कि राम के राजा बनने के बाद राम के पिक्चर में आने के बाद रावण का पाप खत्म होना चालू होगा परंतु इसके बीच में दूसरा प्लान भी मैनिफोल्ड होना था वो प्लान हम कल से प्रारंभ करेंगे राम के राज्याभिषेक के बीच में क्या क्या होता है वो हम कल से प्रारंभ करेंगे जिस प्रकार से कुछ कुछ स्पाइडर अपनी माँ को ही खा लेते हैं जन्म होने के बाद उसी तरीके से रावण के जो पाप थे जो रावण से उत्पन्न हो रहे थे बहुत जल्दी रावण रावण को ही खाने वाले थे तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें हम देखेंगे रुक्मिणी और मंथरा का जो संवाद है मंथरा की कॉन्स्पिरेसी वो हम अगले अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे जगत गुरु से की जय